एडमिनिस्ट्रेटिव बूथ पे बात करिए आप, लेट्स टॉक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, नॉट नथिंग एल्स, डायरेक्ट वन ऑन वन। हाँ अभी अगर आप शांति रखो तो मैं बोलूं। थोड़ी मर्यादा रखिए। और आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी, अगर आप इस तरह चर्चा कराएंगे। क्या कहा आपने, मृत पार्टी? क्या कहा अभी आपने गौरव भाटिया, एक मृत पार्टी कांग्रेस? मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। उसकी दुम ज्यादा तेज बोलने से बात सच नहीं हो जाती। ऐसा ना उछल कूद नहीं करनी चाहिए, पहले सुनना चाहिए। दोगलापन तो वो करते हैं जिनको तनख्वाह मिलती है सरकारी, या जो वो लोग करते हैं जो किसी के इशारे पे काम करते हैं। कुछ तो सुन लो तुम अपने बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से। राजीव फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप स्पष्टता से बात नहीं सुनना तो बात सुनो। आप बात करिए, आप डिबेट के अंदर आए, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। देवगन तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो। बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भंडवे की तरह बात मत करो। बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहे हो, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। और दादा भी कुछ बोलिए। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए। कुछ आपको आनंद खुशी के पल मिलती है, जरा आनंद लीजिए ना, टेंशन मत रखिए। ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य पहले नहीं मिला।